पंखाजुर, जहां एक ओर प्रधानमंत्री श्री योजना की लहर की गूंज सरकारी स्कूलों की अच्छी तस्वीर बना रही है, जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसी बातें किए जा रहे हैं, वहीं उसकी जमीनी सच्चाई का खुलासा कांकेर जिले के बांदे क्षेत्र के बेटिया के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों द्वारा जर्जर हालत सारी हकीकत को बयां करती है। बांदे के PV94 के प्राथमिक शाला कई सालों से आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित हो रही है और माध्यमिक शाला का आलम तो देखते बनता है, जहां एक ही तालपत्री के नीचे कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं की कक्षा एक साथ एक छोटे से जगह में संचालित है। स्कूल के सभी कमरों की हालत बद से बदतर है। स्कूल के कार्यालय से लेकर रसोई घर, जहां मध्यान्ह भोजन बनता है, तालपत्री के भरोसे पिछले 3 सालों से अधिक ऐसी ही हाल में है। शिक्षा विभाग की चुप्पी आज कहीं ना कहीं शिक्षा की सुदूर इलाके स्कूलों की सच्चाई बयां कर रही है। ग्रामीणों और शिक्षकों द्वारा कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण तापस मिस्त्री का कहना है कि गांव वालों के पास अभी कोई और विकल्प नहीं है, मजबूरी में पालकों को अपने बच्चों को ऐसे जर्जर हालत में भेजना पड़ रहा है। वहीं शिक्षिका गीतांजलि सानिल का कहना है कि विगत 3-4 सालों से स्कूल की ऐसी हालत बनी हुई है, जिसमें बच्चों को तालपत्री लगे होने के कारण बारिश की आवाज में सुनने में काफी परेशानी होती है और पानी की समस्या बनी रहती है। तो सारे परिवार वाले जो हैं, यहाँ के ग्रामवासी जो हैं, जो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, उन्होंने अब तक कोई शिकायत की है अधिकारियों से? कई बार किए हैं। तो उसके बाद भी क्या हो पाया है? अब तक यही हालत है। तो कई बार यहाँ पे देखिए, सत्ता बहुत चेंज हुई है, कभी BJP की सरकार आई भी, कभी कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद भी क्या असर हुआ है इस पे? असर बराबर ही चल रहा है, मतलब कोई भी आपको इजाजत नहीं मिल पाया इससे। तो आप अभी क्या चाहते हैं? शिवसेना यहाँ पे आई हुई है तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल अच्छे बने। अच्छा जी, टेंट लगाने के बावजूद भी पानी आता ही है। अच्छा, टेंट हाँ। के बाद भी ये सुरक्षित नहीं है? हाँ, नहीं है। और आए दिन ये मतलब इसमें और क्या दिक्कतें आ रही है आपको स्कूल में? मेन चीज तो ये आवाज भी तो पढ़ाई में, ये शोर के बीच में आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसमें पढ़ाना भी मुश्किल। अच्छा, शोर के कारण नहीं हो पाता जी, वो भी होता है। ठीक है, तो आप आज के ये भी किचन भी नहीं है? अच्छा, किचन में भी तालपत्री लगी हुई है, वो भी लगा हुआ है, तो मिड डे मील बनाने में भी दिक्कत होता है जी, ये सब होता है। तो आप चाहती क्या है? हमको तो भवन चाहिए। भवन चाहिए। शिकायत आपने आपके यहाँ से आपने अपने अधिकारियों से शिकायत करी है इसके बारे में? हाँ सर, तो देते रहते हैं। शिकायत हुई जी। यहाँ पे अभी कितने शिक्षक हैं टोटल? मिडिल में तो दो हैं। मिडिल में दो हैं। प्राइमरी में एक रेगुलर है और एक अतिथि। अच्छा, प्राइमरी की कक्षा है, आंगनबाड़ी में चल रही है यहाँ पे? अभी आंगनबाड़ी जी। ठीक, कब से हैं यहाँ पे स्कूल में आप? 2 साल से। तो यहाँ पे कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को पढ़ने में? बहुत दिक्कतें होती है। ये 2 साल से ऐसा ही है, तालपत्री के नीचे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, एक साथ कितनी क्लासेस लगती है यहाँ पे, कौन कौन से हैं क्लास? सातवीं, आठवीं। अच्छा, तीनों क्लास एक ही साथ लग रही है यहाँ पे। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, कि आप लोगों को स्कूल मिले, अच्छा रूम मिले? हाँ।